हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल अकेडमी ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, आई एम कविता एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन द आईटीसीई चौपाल। जो ये आईटीसी का जो ई पोर्टल है, ई चौपाल, जो कि रूरल एरिया में फार्मर्स के लिए जो स्टार्ट किया था आईटीसी ने, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वो क्या होता है, क्या कैसे वो वर्क करता है अपना, और कैसे एक बेटर इनोवेटिव तरीका रहा है वो कस्टमर्स वो सॉरी जो फार्मर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स का बेटर प्राइस दिलाने में और उनकी बेटर सेल आउट करने में कैसे वो किसानों के लिए हेल्पफुल रहा है। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आईटीसी के बारे में। आईटीसी आप सबने सुना होगा, इंडिया टबैको कंपनी, जो कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, इंडिया की एक लीडिंग, जो मल्टी बिजनेस पोर्टफोलियो में अपना बिजनेस करती है, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, और एग्रीकल्चर बिजनेस में भी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी, यानी कि मल्टी बिजनेस पोर्टफोलियो है आईटीसी का। आपने बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, यूज़ भी करते होंगे आप। जो ये ई चौपाल इनिशिएटिव है, ये आईटीसी के जो एग्री बिजनेस डिवीज़न है उसने स्टार्ट किया जून 2000 में। इसमें क्या होता है कि एक लिंक क्रिएट कर दिया जाता है बिटवीन द फार्मर्स एंड द प्रोक्यूरमेंट सेंटर्स। तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली उन प्रोक्यूरमेंट सेंटर से कॉन्टैक्ट करके विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वे अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से सेल आउट कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन, वीट, कॉफ़ी एट्सेट्रा को वो बहुत ही आसानी से और बेटर प्राइस पे सेल आउट कर सकते हैं। वो ये एक्सेस कर सकते हैं कि कौन सी मंडीज में, क्योंकि जो ई चौपाल है वो मंडीज से भी कनेक्टेड है और जो आईटीसी के ही प्रोक्यूरमेंट हब्स हैं उनसे भी कनेक्टेड है। तो एक फार्मर देख सकता है कि किस मंडी में कहाँ उसे उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बेटर प्राइस मिलेगा, तो वो वहीं पे उनको सेल आउट कर सकता है। फिर तो इससे उसको अपने जो यील्ड है उस इंक्रीज कर सकता है फार्मर, क्योंकि उसे बेटर प्राइस मिलेगा। फिर हाउ ई चौपाल वर्क्स, देखो ई चौपाल में कियोस्क ओपन कर किया आईटीसी ने, जिस जो कि संचालक के थ्रू चलाए जाते हैं। और संचालक कौन होता है, एक ट्रेंड फार्मर ही होता है। वो अपने घर में उसको एक पीसी दिया जाता है, वो वहीं से जो है ई चौपाल का वर्क करता है। वो सभी फार्मर्स उसके थ्रू बाकी की जो मंडीज हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लेके फिर देख सकते हैं कि कहाँ उन्हें अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बेटर प्राइस मिलेगा, कहाँ डिमांड ज़्यादा है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस कोई भी फार्मर संचालक के घर जाकर इंटरनेट के थ्रू ले सकता है। और जो बहुत सारे संचालकों के ऊपर एक समायोजक होता है जो कि मैनेज करता है सभी संचालकों के काम को, फिर मैनेज करता है, फिर वो समायोजक आईटीसी से डायरेक्ट लिंक्ड होते हैं। तो ऐसे ये वर्क करती है। एट दीज कियोस्क फार्मर्स कैन एक्सेस ए वेब पोर्टल विद करंट मार्केट रेट फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ प्रोक्यूरमेंट सेंटर्स इंक्लूडिंग मंडीज एंड आईटीसी प्रोक्यूरमेंट हब्स, क्योंकि आईटीसी के खुद के भी प्रोक्यूरमेंट हब्स हैं और मंडीज के साथ भी कॉन्टैक्ट है उनका। तो वो देख सकते हैं फार्मर्स कोई भी कि किस मंडी में उनके प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड है, तो वो वहाँ पे जाके उनको सेल कर सकते हैं। उनको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, और ये भी नहीं होता कि वो किसी मंडी में लेके गए फिर उनका सामान बिके ना, जैसे कि ट्रेडिशनल वे में होता है। जो ई चौपाल का ही है कि चौपाल सागर कंसेप्ट भी है। चौपाल सागर क्या है, आईटीसी चौपाल सागर इज द हाइपर मार्ट फॉर रूरल इंडिया टू रिप्लेस एज ओल्ड किरियाना और रिटेल शॉप्स। जो चौपाल सागर है वो रिटेल स्टोर्स है जो कि रूरल एरिया में ओपन किए गए ई चौपाल के अंडर ही, इसी प्रोजेक्ट के अंडर है ये भी चौपाल सागर, जहाँ पे सभी जरूरतों के सामान रूरल एरिया में जो भी
हाउस होल्ड्स के लिए या फार्मर्स के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी प्रोडक्ट्स चौपाल सागर में अवेलेबल करवाए गए। ये भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया था इन 2005। ईच चौपाल सागर हाइपर मार्ट सेल एवरीथिंग फ्रॉम फर्टिलाइजर्स टू हेयर ऑयल एंड ट्रैक्टर्स टू नीडल्स, यानी कि जो फार्मर्स हैं उनकी भी सारी नीड्स को फुलफिल करते हैं ये चौपाल सागर, और जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनके भी सारी नीड्स को इट लिंक विद ई चौपाल पोर्टल के साथ इनको भी लिंक किया हुआ है कि कहाँ पे चौपाल सागर है नियर बाय एरिया में, वो जाके ई चौपाल के जो कियोस्क हैं संचालक के पास वहाँ पे जाके वो इनका बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कोई भी फार्मर, और वहाँ पे जाके अपने जरूरत के किसी भी प्रोडक्ट को इनपुट एग्रीकल्चर इनपुट्स को या फिर हाउस होल्ड्स प्रोडक्ट्स को वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। देखो जैसे इसकी टैगलाइन भी है जरूरत अनेक जगह एक, यानी कि एक ही जगह पे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाते हैं चौपाल सागर। ये जो ओल्ड किरियाना स्टोर्स हैं उनके लिए एक अच्छा उनके लिए रिप्लेसमेंट है, और एक बहुत ही अच्छा और इनोवेटिव रिटेल एक्सपीरियंस देता है रूरल एरिया कस्टमर्स को भी। जैसे कि हमें पता भी है कि रूरल एरियाज में इतने ज़्यादा हाइपरमार्ट और ये सुपरमार्केट वगैरह नहीं होते बिल्कुल ही, वहाँ पे ओल्ड किरियाना स्टोर्स ही होते, तो इनके लिए एक इनोवेटिव आइडिया है। जो आईटीसी ई चौपाल सिस्टम है उसकी प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले फार्मर संचालक के पास जाएगा, संचालक के पास पीसी और इंटरनेट होगा, तो वो उससे उस पीसी के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, फिर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा चौपाल सागर की, अगर उसे कोई इनपुट वगैरह चाहिए तो चौपाल सागर से कॉन्टैक्ट करेगा और इन सबको मैनेज करेगा समायोजक, और समायोजक फिर डायरेक्टली लिंक्ड होगा आईटीसी से। तो यानी कि बहुत ही इजी प्रोसेस हो गई है, अब फार्मर्स को परचेज करने हैं इनपुट तो भी इजी प्रोसेस है, और अपने आउटपुट सेल आउट करने हैं तब भी बहुत ही इजी प्रोसेस है, ना मंडियों के चक्कर और ना ही जो अड़ती होते थे जो ट्रेडिशनल, उनका भी रोल यहाँ से स्किप हो। नेक्स्ट है हमारे 7 P's ऑफ आईटीसी ई चौपाल। प्रोडक्ट क्या है ई चौपाल का, ई पोर्टल ही जो पीसीज है वही ई पोर्टल ही जो है आईटीसी का प्रोडक्ट है, और प्राइस कोई प्राइस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी फार्मर्स के लिए। और प्लेस क्या है, ई चौपाल विद इन 5 किलोमीटर रेडियस सर्विंग 10 villages, यानी कि 10 villages के लिए एक कियोस्क है यहाँ पे जो कि 5 किलोमीटर के रेडियस को कवर करते हैं। और जो पीपल इसमें इंक्लूड हैं वो कौन कौन है, संचालक जिसके घर पे पीसी रखा जाता है ई पोर्टल के अंडर, और फार्मर समायोजक जो इन सबको मैनेज करता है, और आईटीसी स्टाफ। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या यूज किया गया है, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज किया, एक तो संचालक का घर, दूसरा चौपाल सागर, ये दो ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर भी बोल सकते हैं हम इनको। और प्रमोशन के लिए कौन से मेथड्स यूज किए हैं, इन्होंने जो सोशल एडवर्टीजमेंट है उनका ज़्यादा यूज किया है इसके लिए, जैसे कि इट प्रोवाइड लाइवलीहुड टू 5 million पीपल, और सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर डेवलपमेंट चौपाल प्रदर्शन खेत, ये इनोवेटिव टेक्निक्स प्रोजेक्ट जो ई चौपाल है वो लेके आया, जिसके थ्रू उसने अपने इस ई चौपाल के जो प्रोग्राम है उसको प्रमोट किया। ठीक है, तो ये सेवन पीज से रिलेटेड स्ट्रेटजी है आईटीसी की के ई चौपाल की। ठीक है, अब 3 layers ऑफ एग्री बिजनेस कंसेप्ट इन आईटीसी। फर्स्ट तो ई चौपाल, जहाँ पे संचालक के घर पे एक नेटवर्क सेटअप किया फार्मर्स के साथ डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए। दूसरा है ब्रिक्स एंड मोर्टल मल्टीपल सर्विस सेंटर मैनेज्ड बाय ट्रेडिशनल कमीशन एजेंट्स, बहुत सारे सर्विस सेंटर्स ओपन किए जो कि कमीशन एजेंट्स के थ्रू मैनेज किए जाते हैं। और पैन इंडिया नेटवर्क, पैन इंडिया नेटवर्क में क्या है कि
आईटीसी ने और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन किया, जैसे कि मैरिको, फिलिप्स, टीवीएस, उषा, एलजी, सोनाटा, और फिर इनके साथ टाई अप है तो इन सबके प्रोडक्ट्स भी वो अपने चौपाल सागर के थ्रू फार्मर्स को, रूरल हाउसहोल्ड्स को सेल आउट करते हैं, इनके भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो इनके साथ भी लिंक है और फार्मर्स के साथ भी लिंक है, तो पैन इंडिया एक नेटवर्क एस्टेब्लिश किया। अब सर्विसेज जो ई चौपाल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, एक तो इंफॉर्मेशन डेसिमिनेशन सर्विसेज कौन सी है, वेदर फोरकास्ट इन लोकल लैंग्वेज और इम्प्रूविंग अवेयरनेस ऑफ फार्मर्स, इंफॉर्मेशन ऑन बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस और डिस्कवरिंग द बेस्ट प्राइस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और क्रेडिट और इंश्योरेंस सर्विसेज भी ई चौपाल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि प्रोवाइडिंग नॉन कैश लोन्स फॉर फार्मर इनपुट्स और लोन्स टू संचालक, डायरेक्ट लोन्स टू फार्मर्स, क्रॉप इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज जो कि फार्मर्स को दी जाती है, यानी कि इंफॉर्मेशन डेसिमिनेशन की सर्विस भी और साथ के साथ क्रेडिट और इंश्योरेंस की सर्विस भी ई चौपाल प्रोवाइड करवाते हैं फार्मर्स को। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो लाइक करना और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।